आज के जो सभा है, हमने जो बुलाई है, बताओ क्या करने के लिए बुलाई है? डिडक्शन के न्यूमेरिकल्स का टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं, आप ऐसे टेस्ट लो, हैंड टू हैंड ही पिटाई करना हमारी। तो आज मैं नोट कर लूँगा कि किसने कितने गलत पॉइंट बताए, तो उसकी पिटाई अगले हफ्ते करूँगा, ठीक है? नहीं, अभी मैं 12th क्लास में ऐसे डिस्कस कर रहा था कुछ, तो वो कह रहे थे कि सर इसका मतलब जो भी हमने बद्दुआ दी उससे तो हमारी छुट्टी नहीं हो पाई, तो अब बद्दुआ का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उसमें से एक बच्चा उठ के कह रहा है इतना लेवल बढ़ा देना कि एक हफ्ते की मिले। मैंने कहा भाई जिंदा छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? निर्दयी बच्चे हैं आजकल के, निर्दयी। हिंदी वर्ग क्या बोल, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? हार्टलेस एक और वर्ड होता है, नाला एक वर्ड होता है। राम हैज कंप्यूटेड इज इनकम अंडर द हेड प्रीवियस ईयर। कौन से ईयर की बात है? 21-22 की। सैलरी से इनकम है कितने की? 1-25। ये एक मिक्स क्वेश्चन है, जैसा कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। हाउस प्रॉपर्टी की कितने लॉस है उसका? 15,000। क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ सैलरी की इनकम से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस? क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ? भाई ऐसे अजीब तरीके से मत देखा करो, बता दिया करो क्या कर सकते। थोड़ी एनर्जी रखो आज क्लास में, क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना सरकारी स्कूल बना देते। देखो PGBP कितना? 90,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या अपनी इनकम का पार्ट मानूं या हटा दूं डिडक्शन पर्पस के लिए? डिडक्शन पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बैक ऑफ द माइंड रखूंगा कि इतने से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं दे पाऊंगा मैं। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आ जाता है मेरा, फटाफट से बताइए। लॉटरीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पेमेंट फॉर मेडिकल पॉलिसी, ये यहाँ तक मेरी इनकम है। यहाँ से पेमेंट्स आना शुरू हुई। पेमेंट फॉर मेडिकल पॉलिसी कौन से सेक्शन में जाएगा? 80D में, मेडिकल पॉलिसी की बात की जा रही है। उसके बाद एक्सपेंस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट बताओ हैंडीकैप्ड का, DD में। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, मैंने कहा आगे चले। कह रहे प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड बताओ, 80G। कौन सी कैटेगरी? 50% फ्लैट। फ्लैट का मतलब विदाउट एनी लिमिट। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। नेशनल फंड फॉर कम्युनल हार्मनी 80G और 100% वाली, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को हटा देंगे यहाँ से। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये भी 100%, ये भी 100%, ऊपर वाला 50%। गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए हमने खर्चे किए हैं, बताओ जरा किसके अंदर आता था? लेकिन 100% था, लेकिन क्या इसमें लिमिट लगेगी? हाँ, लिमिट किस चीज़ की लगेगी? एडजस्टेड GT आएगी। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50%, और इसके साथ साथ क्या लगेगी? लिमिट। देखो क्वेश्चन अच्छा लगा आपको, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें डिस्कस की इसने। उसके बाद डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 80C। रीपेमेंट ऑफ लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹15,000 टू कैनरा बैंक टेकन फॉर परसुइंग अप्रूव्ड हायर एजुकेशन। कुछ भी नहीं मिलेगा, सोच लो। सोच लिया आपने? पक्की बात है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 80E में किस में जाएगा? 80E और कितना वाला पार्ट? 15,000 बस। क्या मेरी बात? मैंने कहा कुछ भी नहीं मिलेगा, कह रहे नहीं, वो कह रहे डोनेशन में चला जाएगा, कैनरा में डोनेशन देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। इतने सारे पॉइंट्स हैं इसमें, मैंने कहा चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं एक बार, कभी पता चले आप एडजस्टेड टोटल इनकम में से भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा दो, ऐसा नहीं है, एडजस्टेड GTI में पूरा आएगा, इसलिए क्वेश्चन पूरा एक बार करके देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ये, फटाफट से बताएंगे। आप इसका फोटो खींच लो एक बार, मुझे इधर उधर नहीं होना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से नहीं दे मेल करूँगा। देख रही है? बताओ सबसे पहले क्या लिखूं? सैलरी इनकम है कितने की? 1,25,000। और मैंने कहा मेरा मन कर रहा है मैं यहीं से माइनस कर दूं, बताओ क्या? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना? 15,000 मैंने यहाँ पर से क्या कर दिया है उसे? सेट ऑफ। तो बताओ जरा कितना बच जाएगा? 1,10,000। उसके बाद सैलरी के बाद बताओ नेक्स्ट कौन से हेड की इनकम है?
कुछ और भी लिखा हुआ है या डायरेक्ट लिखा हुआ है? डायरेक्ट लिखा हुआ, मैंने यहाँ पर लिखा 90,000, उसके बाद बताइए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है और शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म के सामने कुछ लिखा है, नॉर्मल लिखा है, तो ये नॉर्मल इनकम का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आईओएस, आईओएस में बताओ क्या क्या है। विनिंग की जो इनकम है वो कितनी है, क्या ये मेरी इनकम में आएगा? हाँ इनकम में आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन, अब सवाल ये आया इसे TTA में लिखेंगे आप या TTB में लिखेंगे अगर एज स्पेसिफाई नहीं की गई है तो, आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा क्योंकि वो सेविंग और फिक्स डिपॉजिट पे आता है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितने की अमाउंट है? 20,000 की। सुनना जरा ध्यान से, एक मिनट, इसमें से दो इनकम ऐसी है जिसमें से डिडक्शन नहीं मिलती, बताओगे कौन कौन सी? एक तो लॉन्ग टर्म वाली और एक विनिंग वाली। ये गलती कई बार बच्चे कर देते हैं कि एडजस्टेड टोटल ग्रॉस टोटल इनकम निकालने से पहले भी इसमें गड़बड़ कर देते हैं, जो निकालते हैं ना 10% ऑफ द अमाउंट 80 जी सेक्शन के अंदर जो एडजस्टेड GTI निकालते हैं उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, बताओ जरा यहाँ तक टोटल कितना आ जाएगा? 3,00,000। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर जो मेरी GTI आ गई है वो आई है कितने की? 3,05,000। अब मैं चला डिडक्शन देने, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना 3,05,000 में से माइनस करो जरा एक बार 15,000 और माइनस करो 40,000, 2,50,000। तो 2,50,000 से ज़्यादा की टोटल मिला के डिडक्शन नहीं जानी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे जाके मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्या निकालने वाला हूँ जल्दी से बताइए। कौन सी सीरीज से शुरू करूँ ये बताओ, 80C से सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आए हम, मुझे बताओ जरा 80C हमने कहाँ लिखा है? डिपॉजिट इन PPF और अमाउंट कितना जाएगा? 70,000। आउटर कॉलम में कितना लिख दूँ? डिपॉजिट इन PPF और आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने 70,000। क्या मेरे पास 80D और DD में भी है? आंसर इज यस। 80D की बात करते हैं पहले, 80D में कहाँ है? ये रहा पेमेंट फॉर मेडिक्लेम चेक, किसके लिए पे किया है? तो मैं अज्यूम करके चल लूँगा कि वो अपने लिए ही पे कर रहा है। जब मैं बिजनेस का PNL बनाऊंगा तो ये एड बैक हो जाएगा क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब मैं डिडक्शन बना, मेरी बात समझ में क्या बोला मैंने, जब मैं PGBP की इनकम बना रहा हूँ नेट प्रॉफिट में, इसे एड बैक कर दूंगा क्योंकि उसने सेल्फ का खर्चा बिजनेस के खर्चे में लिखा हुआ, लेकिन जब मैं डिडक्शन दूंगा ग्रॉस टोटल इनकम में से तब माइनस होगा। कितने की पेमेंट है? 5,000 की और चेक से की है, तो कितना माइनस कर दूँ? मेडिक्लेम 5,000। एक है 80DD, उसमें खर्चा कितने का हुआ है ये बताओ? डिपेंडेंट डिसेबल्ड, क्या मेरी बात समझ में आती है? इसमें डिसेबल्ड के लिए आपने ट्रीटमेंट किया है, तो बताओ जरा मुझे फटाफट से खर्चा कितने का किया है? इसमें फ्लैट मिलती है कितने की? 75,000 रुपये की, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी होती तो 1,25,000। मैंने सही बोला? इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट एक्सपेंडेड, क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अगली डिडक्शन कौन सी है? अगली डिडक्शन इस सीरीज में चलें तो कौन सी मिल जाएगी? 80E। इनका बहुत सुंदर 80E कितने की है? इंटरेस्ट, क्या है ये? इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन कितने की? अब मुझे बताना जरा 80G के अंदर, 80G के अंदर मुझे एक 100% अमाउंट मिल जाती है, एक डायरेक्ट फ्लैट 50% मिल जाती है, तो जो जो 100% और 50% अमाउंट मिल जाती है उसको माइनस करने के बाद एडजस्टेड GTI निकालते हैं, जी का कुछ भी माइनस नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब आपको सॉल्यूशन करते समय प्रॉब्लम आएगी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं आ गया कौन सी सेक्शन पे? 80G, और 80G को लिखने से पहले उसके सामने लिख दूंगा मैं, बताइए क्या? रेफर, तो हम यहाँ पर आकर बनाएंगे नोट नंबर 1। सबसे पहले मैंने जहाँ पर लिखा हुआ है 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, वो बताइए मुझे कितना क्या लिखा है मैंने उसके सामने, क्या चीज़ है, क्या लिखा हुआ है? नेशनल फंड फॉर कम्युनल हार्मनी कितने का है, कितना मिल जाएगा? देखो मैं 4,000 लिखूंगा, यहाँ अलाउेबिलिटी लिखूंगा, और यहाँ पर सीधा लिखूंगा आउटर में कितना? 4,000। नेक्स्ट बताइए,
सिर्फ 100% वाला बताना उसके बाद। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कितने की अमाउंट है? 4,200। कितने परसेंट में जाएगा? 100% में जाएगा। और अमाउंट कितना आ जाएगा? 4,200। उसके बाद नेक्स्ट बताइए, 50% कौन सा वाला? विदाउट लिमिट वाला, और वो एक ही है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 3,000 का। और परसेंटेज में कितना जाएगा? 50%। और अमाउंट कितना आ जाएगा? आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए डिडक्शंस चैप्टर में। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है डिडक्शंस में, सेक्शन याद नहीं हो रहा, अमाउंट याद नहीं हो रहा, लिमिट समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए कौन सा कहाँ जा रहा है। अब आते हैं किस पे, बताइए पहले 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट, फिर उसके बाद विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। नाम बताइए 100% वाले का। तो फैमिली प्लानिंग के लिए आपने कोई खर्चा किया है जिसमें आ जाते हैं, अमाउंट कितनी है? 13,000। उसके बाद कौन सा वाला है? उसके बाद अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसमें कितना है? ये 100% और 50% है, लेकिन लिमिट के साथ है। तो मैंने कहा उससे पहले मैं, अच्छा है, एडजस्टेड जीटीआई निकाल दूं। एडजस्टेड जीटीआई या एडजस्टेड टीआई? एडजस्टेड टीआई। क्या मेरी बात समझ में आती है? कुछ भी बोल सकते हैं आप। मैंने कहा ठीक है, बताओ जरा मेरी ग्रॉस टोटल इनकम थी कितनी? हाँ जी, नहीं नहीं, अरे नाला, यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। 3,05,000 की थी मेरी एडजस्टेड जीटीआई या मेरी नॉर्मल जीटीआई, और इसमें से माइनस करूँगा मैं अभी तक जितनी डिडक्शन क्लेम करने चाहता हूँ। तो ज़रा सारी अमाउंट्स को ऐड करिए, ये वाली, क्या ये 2,50,000 को क्रॉस कर रही है क्या? एक 65। तो मैंने कहा अभी तक के जो डिडक्शंस हैं कहाँ से लेके 80C से लेके 80E तक, ठीक है, यही वाली जी तो नहीं दे रहा बस में, 80C से लेके 80 कितनी है? 1,65,000। तो ये एडजस्टेड जीटीआई आ जाएगी मेरी, बताइए कितनी? कितना? 1,40,000। मैंने कहा बताओ ज़रा एडजस्टेड पॉइंट है कितना, 10% कितना है इसका? 10% ऑफ 1,40,000 इज इक्वल टू 14,000। अब सुनो जरा ध्यान से, मैंने कहा पहले बात करते हैं किसकी, जो 100% वाली थी। 100% वाले में आपने कंट्रीब्यूशन कितने का किया? 13,000 का। और अमाउंट कितनी है? अमाउंट कितनी है? 14,000। तो चेक करते हैं, मैंने कहा आपने एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन किया है वो कितने का, क्योंकि पहले 100% वाली थी या पहले 50% वाली थी? 100%। तो आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है 13,000, और जो आपकी लिमिट है, लिमिट वो कितने की है? 14,000 की। पहले करूंगा विच एवर इज लोअर, और फिर उसके बाद क्या कर दूंगा? 100%। तो ये है विच एवर इज लोअर, और इसका कितने परसेंट कर दूंगा? 100%। कितना आ जाएगा? 13,000। और यही 13,000 की अमाउंट में उठाकर बाहर लिख दूंगा यहाँ पर 13,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पर, बताइए अब मैं एक्चुअल कंट्रीब्यूशन लिखूंगा। बताइए एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितने का है? 7,000 का। और लिमिट कितने की है? रिमेनिंग, क्या अब रिमेनिंग लिखनी पड़ेगी? ऐसा ही करते थे हम, जब 14,000 में से लिमिट में से हम ऑलरेडी अमाउंट दे चुके हैं कितने की? 13,000 की, तो बची कितने की? 1,000। विच एवर इज लोअर क्या है, और इस लोअर का क्या करना पड़ेगा मुझे? 14,000 लिख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हैं, बताइए कितना आएगा। और क्या ऐसे क्वेश्चन भी किए थे हमने? हाँ, ये आते हैं 500 रुपये। टोटल मिला के बताइए 80G सेक्शन में मुझे कितने की डिडक्शन मिल जाएगी? 8,200, 9,700। हाँ जी, 23,200। तो 80G सेक्शन में हम लिखेंगे 23,200। और अब आप मुझे देखेंगे क्या 2,50,000 से ज़्यादा का तो नहीं हो गया? चेक कर लीजिए, कितना आ रहा है? 1,00,000 माइनस करने के बाद ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे बताओ, अगर ऐसा होता कि डिडक्शंस मेरी 2,50,000 से क्रॉस कर जा रहे हैं, तो मैं डिडक्शंस में टोटल अमाउंट कितना लिखता? इन सब को इनर कॉलम में लिखता और रिस्ट्रिक्टेड अप टू नॉर्मल इनकम बाहर 2,50,000 माइनस कर देता, बस बात खत्म। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, बस हमने पहला वाला क्वेश्चन कर लिया। आई होप थोड़ा समझ में आएगा आपको डिडक्शन कैसे देनी है जब मिक्स करके आएगा। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, सेकंड पे। मिस्टर प्रमोद एक राइटर है, किसके? प्रोफेशनल बुक्स के, ठीक है, प्रोफेशनल फर्निशेस करते हैं। रॉयल्टी मिल रही है बुक्स पे कितने की?
रॉयल्टी को लेकर एक परसेंटेज बताया था कि मैंने, अगर बुक्स की रॉयल्टी कितने परसेंट से ज्यादा है, 15% से ज्यादा वाले रेट से मिल रही है तो आपका जो रेट होगा मैक्सिमम लिमिट वो 15 होगा, ठीक है। तो उसे जो रॉयल्टी उन बुक्स मिल रही है वो कितने की मिल रही है, 1/26, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है 3 लाख, जितना आप डिडक्शन ले सकते हैं QQB के अंदर, याद है आपको, ठीक है। उसने कहा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन मेरी 7,20,000 है, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रॉयल्टी कितना है 14,000, और डिपॉजिट इन PPF इतना है। आपको प्रेजेंट करके दिखाना, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, ये CS में आया था एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, छोटा सा क्वेश्चन था, उनको MCQ में सॉल्व करके बताना होता है, आपको पूरा प्रेजेंट करके बताना होता है। PGBP बताओ, PGBP की इनकम कितनी थी, फोटो में देख के बताओ, 7,20,000, 7,20,000। मैंने कहा उसके बाद उसकी इनकम है IOS की, क्योंकि रॉयल्टी ऑन बुक्स कौन सी इनकम में जाएगा, IOS की। बताओ रॉयल्टी में कितनी इनकम मिली उसको, मैंने कहा 1/26 में इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, बता सकते हो क्यों, क्योंकि उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हम कर चुके हैं, कितने के 24,000 के। तो बताओ जरा मेरी रॉयल्टी की इनकम है कितनी, 1,02,000। क्या ये परसेंटेज बेस्ड है, क्या ये परसेंटेज बेस्ड है क्या, नहीं है तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी यहाँ पर, और कोई इनकम है, और कोई इनकम है चेक करो, नो और कोई इनकम नहीं है, तो बताइए जरा कितना आ जाएगा ये 8,22,000। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब उसके बाद डिडक्शन शुरू हो जाती है, और इसमें कोई भी स्पेशल नेचर की इनकम नहीं है डिडक्शंस, जिसमें उसने PPF के बारे में कुछ बोला था। बताओ जरा किस सेक्शन में जाएगा, 80C के अंदर। कितना है PPF में कंट्रीब्यूशन, 1,40,000। मैंने कहा एज इट इज आप बाहर लिख दो। नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है, और कोई बचा ही नहीं, तो क्या बचा, 80 QQB। और इस QQB को लगाने से पहले मैं बोलूँगा भाई लोअर ऑफ द फॉलोइंग यहीं पर लगा देता हूँ मैं। बताओ जरा आपकी रॉयल्टी जो रिमेनिंग बच गई है वो कौन सी बच गई है, 1,02,000, क्योंकि भाई वो एक्सपेंस वहीं पर माइनस हो गए हैं, मेरी बात समझ में आती है। और दूसरा जो है वो लिमिट है, लिमिट कितने की है, 3 लाख, विच एवर इज, कौन सी अमाउंट आ जाएगी, 1,02,000। ध्यान रखना वो अमाउंट एक्सपेंडिचर का माइनस करके क्या इंपैक्ट आ रहा है वो मैं आपको एक बार और भी समझा चुका हूँ। 1,02,000 की डिडक्शन हमें ये मिल गई। अब जरा माइनस कर दीजिए फटाफट से, ये मेरी टोटल इनकम निकल के आ जाए 5 लाख। बात समझ में आई, पक्की बात है, ठीक, छोड़ सकता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कहते हैं मिस्टर एक्स एम्प्लॉय कर रहे हैं कहाँ पर, बताइए फटाफट से, एक प्राइवेट कंपनी में, और उन्होंने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है आपको। देखो कौन से ईयर की बात चल रही है, इसका मतलब कोई भी ज़्यादा चेंजेस जिन जिन डिडक्शंस में नहीं आए वो वाली पूछ रहे हैं वो, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट की गई है, बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, ध्यान रखना इसका मतलब एज जब तक ना बताई जाए तो 80 TTA में जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी प्रोविजन पेड बाय द एम्प्लॉयर कितना है, 20,000। था या नहीं था CCD 2 में, है? इसका मतलब आपने सी सीरीज अच्छे से याद नहीं की, क्या ये सी सीरीज में था, बताइए फटाफट से, क्या सी सीरीज में था। मेरा एम्प्लॉयर मुझे परक्विजिट दे रहा है और उसके बदले में मेरे बिहाफ पे टैक्स भर रहा है, तो वो किसकी इनकम मानी जाएगी, किसी की भी नहीं, कुछ नहीं करना इसका। अमाउंट कंट्रीब्यूशन क्या है ये देखिए, कंट्रीब्यूशन टू RPF क्या करूँ इसका, 80C में। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन सेल्फ, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम क्रॉस चेक से दिया है, क्रॉस चेक क्या कोई सही चेक होता है, नो, क्रॉस चेक नहीं होता, वो कौन सा होता है, अकाउंट पे चेक होता है। तो क्रॉस चेक एक सही मोड नहीं है, अदर देन कैश में काउंट नहीं करते हैं उसको, तो ये अलाउ नहीं किया जाता, क्या मेरी बात समझ में आती है। उसके बाद नेक्स्ट बताइए, मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर डिपेंडेंट सिस्टर विद डिसेबिलिटी, खर्चा कितने का है, कौन से सेक्शन में जाएगा, 80DD में, और अमाउंट जो जाएगी वो जाएगी 70। इसका हम देंगे नहीं तुम्हें, ये आपको 80 किस में मिल जाएगा, सी में, 60,000 का ही दे देंगे आपको। उसके बाद आते हैं इनकम पे, ये इनकम हो जाएगी कितने की, 3,60,000 की, माइनस कर दीजिए यहीं पर, उस वहाँ सॉल्व नहीं कर रहा इसको, सही है, वहाँ सॉल्व करके बताऊँ, कुछ भी दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम इन द अलाउेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, पहला पढ़िए, राजन हैज़ टू पे टू अ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कितने का, 62,000 रुपये का, स्पेंट नथिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के लिए कुछ नहीं दिया लेकिन हॉस्पिटल को 62,000 रुपये की ट्रीटमेंट दी है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडिंग एंड डिपेंडेंट डिसेबल्ड, पहले सेक्शन बताओ, खर्चा कितना किया, तो क्या कर दूं इसको, इसमें कोई दिक्कत आपको, क्या इसमें कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए फटाफट से। क्या मैं ज़्यादा नीचे हो गया क्या? एक बार देखना जरा मैं उसमें आ रहा हूँ या नहीं। जबरदस्ती हाँ बोलोगे तो पिटोगे बहुत। आ रहा हूँ उसमें, कितना हिस्सा आ रहा है मेरा? हाँ जी आ रहा है, ठीक। राजा एक रेजिडेंट है इंडिया का, स्पेंट नथिंग फॉर ट्रीटमेंट इन प्रीवियस ईयर। उसने खर्चा तो कुछ नहीं किया ट्रीटमेंट का, लेकिन उसने डिपॉजिट कर दिया 25,000 रुपये विद LIC फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिसेबल्ड। बताइए क्या करें? सेम, क्या मैंने बताया था आपको कि इसमें खर्चा ना भी हो लेकिन आप कहीं अमाउंट डिपॉजिट कर दे तब भी यही माना जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, राजन हैज इनकर्ड 20,000 फॉर ट्रीटमेंट एंड 25,000 डिपॉजिट कर दिए हैं LIC के मेंटेनेंस के लिए हैंडीकैप्ड के लिए। बताइए क्या होगा? इसमें भी कितना मिल जाएगा आपको? 75,000, क्योंकि ये फ्लैट डिडक्शन है। कह रहे नेक्स्ट पेमेंट की है 50,000 से चेक से टू एन इलेक्ट्रोल ट्रस्ट बाय एन इंडियन कंपनी 80GGB। अमाउंट कितना? मैंने कहा वुड योर आंसर डिफर, अगर ये कैश में होता तो? कैश में भी चल जाता है क्योंकि किसको जा रहा है? पॉलिटिकल पार्टी। सही बोला मैंने? नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी को है। क्या जो इलेक्ट्रोल ट्रस्ट था वो किस में आता था बताओ? 80GGB में, हाँ उसी में आता था। तो उसमें तो यही लिखा हुआ है कि भाई कैश में भी कर सकते हो आप। वेरी गुड, वो किस में लिखा हुआ है सोच लो, सोच लो। ठीक, पाँच छः 60 और इसमें 10% रह गई है, मुझे तो चाहिए ही की। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए, इसका आंसर निकाल के देना मुझे एक बार। एक्सटेंशन चाहिए। कोई भी एक्सटेंशन नहीं चल रहा? कमल सर कहाँ है? निकाल दो भाई, वो क्लास में बंद हो जाएगा ना वो, है ना? आई गया हूँ तो मुझे पानी पिला दो। हाँ दोनों चार्जर ले आना। कोई सा भी दे देना, वो ना बिल्कुल बंद होने वाला है। कुछ आया समझ में? थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा ही बस। बताओ कौन सा वाला पॉइंट, बताओ किस में डाउट आया? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी एमिनेंस वाला आता है, डिडक्शन के अंदर ही आता है, स्पोर्ट्स के लिए बढ़ावा देने के लिए। क्या कहीं आया था ऐसा? 80C में आया था, 80G में आया था, जी में तो आएगा। अरे यार मैं बैठ जाऊंगा तो फिर से रखूंगा कहाँ? हाँ इसको आगे कर देना, हाँ चेयर क्यों लग रहा है इसमें? ऐसे छोटी छोटी गलतियां करते रहा करो बीच बीच में, मेरे साथ नहीं किसी और टीचर के साथ भी कर लिया करो कभी कभी, है ना? तुमने कहा कि इसका काम कमल सर को है, इसका दूसरा नहीं, तुम कह रहे थे ना मैंने कहा वो वाला ले, कह रहे उसका काम कमल सर को है, लेकिन कमल सर तो थे ही नहीं वहाँ पे। नहीं सर, मैंने लगवाया था ना। कब? आज अभी चल क्यों नहीं रहा कुछ? अपनी कुंडली दिखाना, आज जाके लिखना है उसमें मेरे से बैर है क्या कुछ? बैर का मतलब समझते हो? हाँ बताओ अच्छे बच्चों, मिस्टर एक्स ने डिक्लेयर किया है GTI। GTI का मतलब समझ में नहीं आया है। ग्रॉस टोटल इनकम कितने की है? 4,00,000 की। असेसमेंट ईयर कौन सा? 22-23। असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब
प्रीवियस ईयर 21 22, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 65,000 रुपए का, बताओ मुझसे कोई लेना देना है इसका? मास्क क्यों रहेगा? इस बात के लिए तो नहीं हंस रहे, तो बैठ के पढ़ा रहे इसलिए हंस रहे हो? क्या मैं अजीब लग रहा हूँ? अगर तुम बीच में हंसे तो पिटोगे बहुत। भाई पानी पी लो यार, मुझे भी पिला दो, प्यास लग रही, जाओ पानी लेके आओ। पिंक बॉटल्स नहीं पीऊंगा मैं, जब देखो पिंक पिंक पिंक। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला, बताओ जरा क्या स्पेशल इनकम है ये? क्योंकि रेट क्या है इस पे? 15%। रेट क्या है इस पे? 15%। जब टैक्स निकालेंगे तब बताऊंगा आपको, वो है 35,000 रुपए का। अब बताओ 4,00,000 में से माइनस करो जरा 65,000 और फिर 35,000, 1,00,000 बच गया। हाँ गया 1,00,000, बचे कितने? 3,00,000। तो बैक ऑफ द माइंड आपके ये होना चाहिए कि कोई भी डिडक्शन की अमाउंट टोटल मिलाकर 3,00,000 से ज़्यादा नहीं जा पाएगी, बाकी 3,00,000 का कोई काम नहीं है। मेरी बात लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 111A वाला पे 15% का रेट लगता है उसे स्पेशल इनकम, और लॉन्ग टर्म पे 20%। लॉन्ग टर्म तो हमेशा ही माइनस होता है। पानी ला रहा है वो। कह रहे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है चेक से, इधर सुनो नालायक को चेक। कह रहा मिस्टर एक्स ने मिस्टर एक्स के लिए ही पे किया है 4,000 रुपए, क्या मिल जाएगा? यस। कह रहा अपनी वाइफ के नाम पे भी पे किया है 5,000, क्या ये भी मिल जाएगा? यस। तो बताओ जरा टोटल मिला के कितना? लेकिन लिमिटेड कर देंगे इसे कहाँ तक? 9,000 तक ही, क्योंकि एलिजिबल अमाउंट कितने की है? 25,000 की। ठीक है, क्या हम नोट में बता देंगे उसको कि भाई 25,000 तक मिल जाएगा? हाँ नोट में बताएंगे उसको, नॉलेज झलकाएंगे अपनी। ठीक है, इंदिरा गांधी बताओ क्या करूँगा? क्रॉस दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिया है मैंने, कहा भाई 80G में आएगा ये विदाउट एनी लिमिट वाला, मतलब 100% वाला, यानी अमाउंट कितना लिख दूँ मैं सोच लो? हाँ 100% विद लिमिट। आप मैंने कहा मैंने इसको इग्नोर मारो, आप छोड़ो अभी के लिए, जो नाम उन्होंने अभी लिखे हुए हैं बस उन्हीं को लिख लो आप। ठीक है, जिला साक्षरता समिति को दिया है हमने चेक के लिए, क्या ये अमाउंट पढ़ा था आपने उसमें? साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड पढ़ा था क्या आपने? वाले जो जो नाम पढ़े नहीं है वो हम हटा ही देंगे यहाँ से, लेकिन मैंने कहा ये नाम तो हमने पढ़ा है, किसके अंदर और लिमिट क्या आपको पता है कैसे निकालते हैं? यस, गवर्नमेंट बाय चेक फॉर द पर्पज ऑफ प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग, बताओ जरा। अभी क्वेश्चन कराया है 100% लिमिट, आपने पी लिया पानी? धन्यवाद। कह रहे हनुमान टेंपल बनाना है मोहल्ला में, क्या भगवान से रिलेटेड कुछ पढ़ा था तुमने? कौन से सेक्शन में? 50% लेकिन लिमिट वाले। ठीक, अब आते हैं फटाफट से क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बताओ जरा, 5th। सबसे पहले क्या लिखूं जरा जल्दी से बताओ? GTI लिख दूंगा 4,00,000, और बैक ऑफ द माइंड मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 3,00,000 तक की डिडक्शन देनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्पेशल रेट वाले 1,00,000 के हैं टोटल मिला के। मैंने कहा माइनस करना शुरू करूंगा मैं यहाँ से डिडक्शंस। तुम चाय पी के आ जाओ, थोड़ी सी मेरे लिए भी ले आना। मैं कल से अपने लिए सहानुभूति ढूंढ रहा हूँ। सहानुभूति का मतलब समझते हो? बताओ क्या? अरे आपको लग गई या ऐसे कुछ। पहले मैं घर गया, सबसे पहले मिली मम्मी, लगवा ली और घूम ले बाहर। पहले मना करती हूँ मैं, जबकि रिलेटिव सुन के जो लेके गए थे मुझे, और घूम ले बाहर, अकल ही नहीं है, कोई काम सुबह भी हो सकता है, ये वह 50 बात सुना दी, ये भी नहीं पूछा कि ब्लड निकल रहा है पहले लगा ना, पहले सुन तू पहले बैठ। हाँ जी, सबकी मम्मी ऐसी होती है। फिर मुझे सहानुभूति की उम्मीद थी कमल सर से, मैंने कहा सर क्लास व्लास का क्या करना है? कह रहे नॉर्मल टाइम से। मतलब मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, छुट्टी दे दो, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा सर बताओ क्या करना है क्लास व्लास का? कह रहे हाँ नॉर्मल टाइम डाल दो फटाफट से, टाइम पर वैसे ही डलवाया। फिर मैंने सोचा बच्चों से सहानुभूति मिलेगी। चलो वापस आते हैं डिडक्शन में। पहली डिडक्शन कौन सी? 80C वाली ढूंढो जरा, 80C की डिडक्शन कहाँ है? है ही नहीं तो कहाँ से ढूंढेंगे? तो पहले कौन सी देगी? 80D वाली।
80 डी में कितने की डिडक्शन मिलेगी? 9000 रुपए की। उसके बाद क्या और कोई सेक्शन है या सारे जी वाले ही हैं? सारे जी वाले ही हैं। मैंने कहा भाई साहब सारे जी वाले ही हैं, तो तुम आ जाओ इधर, तुम्हारा निकालते हैं एडजस्टेड वाला पॉइंट। बताओ जरा फटाफट से एडजस्टमेंट के बाद कितना आ जाएगा अमाउंट? मैंने कहा टोटल 4 लाख में से माइनस करूँ या 3 लाख में से माइनस करूँ, जल्दी से बताओ। 4 में से कितना आ जाएगा? ये 3,91,000। और इसका क्या कर दूंगा मैं 10%, तो कितना आ जाएगा? 39,100 से ज़्यादा मत बढ़ जाना। अब मैं आता हूँ कौन से सेक्शन में? 80G सेक्शन। जी में क्या 100% वाला कोई है क्या? जरा ध्यान से देखो, कहाँ चला गया ये, कहाँ गया, कहाँ है जी वाला जिसमें 100% अमाउंट है? बताओ जरा कहाँ है? ई 100% लिमिट वाला है लेकिन, है ना, 10,000। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक तो गवर्नमेंट वाला जो लिमिट वाला है 100% वाला, उसको सबको अच्छे से लिखना पड़ेगा मुझे। कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं? 80G। 80G में नाम बताओ उसका जरा फटाफट से, किस चीज़ के लिए है? गवर्नमेंट को क्यों दे रहे हैं? फैमिली प्लानिंग। तो हमने गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं, चेक से पैसे दे रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए दे रहे हैं। अमाउंट कितनी है? 10,000। कौन सी कैटेगरी में आता है? 100%। तो पहले मैंने कहा 10,000 और 39,100 विच एवर इज लोअर, अमाउंट कितना निकल के आया? 10,000। उसका कितने परसेंट कर देंगे? 100%। तो अमाउंट बचेगा कितने का? 10,000। क्या ये सीक्वेंस समझ में आया आपको? ये सीक्वेंस कभी भी गड़बड़ मत करना। और ये डिवाइड नहीं है, ये और है, और ये लोअर अमाउंट है। बताइए कितना आ जाएगा? 10,000। आगे नेक्स्ट कौन सा चला बताओ? अब मेरे पास कितनी अमाउंट है 50% वाली लिमिट वाली, ये बताओ ज़रा। दो हैं, एक तो 30,000 की और एक 20,000 की। मैंने कहा आ जाओ ज़रा इधर, क्या नाम है उसका? एक तो 30,000 है, टोटल मिला के कितनी हो गई? 50,000। मैंने कहा कॉन्ट्रीब्यूशन तो 50,000 का है, लेकिन जो लिमिट थी 39,100 की, उसमें से कितने की ले चुका हूँ मैं? तो रिमेनिंग लिमिट बची कितने की है? 29,100। बताइए इसका क्या करूँ मैं? इसमें से कौन सा निकल के बाहर आ जाएगा? 29,100। और इसका कितने परसेंट? 50%। ये आपको देना समझ में आया या नहीं है? बताइए कितना आएगा? 14,550। कितना आ जाएगा? कितना? 24,000। खड़े होकर देखो, उसमें मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा? 24,550। फैन क्यों बंद कर रहे हो? दिख रहा हूँ मैं? कहाँ तक दिख रहा हूँ? यहाँ तक दिख रहा हूँ मैं, मतलब डेली भी ऐसी पढ़ा सकता हूँ मैं तो। सही है भाई ये तो। चलो भाई, मैं खड़े होकर पढ़ाए लोगों, तुम हंसोगे तुम। टोटल इनकम बताओ जरा कितनी आएगी? 366,450। चौथा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है? 14 नहीं है, बस यहीं तक कराऊंगा भाई, ये तो पहले के हैं फालतू के, तो तुम ट्राई कर लेना, यहाँ तक कराऊंगा बस मैं। दर्द हो रहा भाई से हंसना माता बस। अब सिक्स क्वेश्चन तुम पढ़ो, मैं पानी पी रहा हूँ। हो जाएगा क्या? छोड़ दूं तुम्हारे भरोसे? चलो, GTI और मिस्टर ए प्रीवियस ईयर किसके किसके अंदर? 21-22 कितनी है? 350। जिसके अंदर लॉन्ग टर्म 280 और शॉर्ट टर्म 10,000 है, तो 280 माइनस करो, 10,000 माइनस करो, 290 माइनस करो, 280। क्यों? नॉर्मल वाला है। अगर 111A वाला होता तो वो 15% वाला हो जाता है। ठीक है,
उसने डिपॉजिट किए हैं कितने, बताइए जरा फटाफट से। एनुअल एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी बताइए, क्या ये पेंशन प्लान ऑफ एलआईसी है? नो, एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी है। अगर ये पेंशन प्लान ऑफ एलआईसी होता तो क्या होता? ATCCC में चला जाता। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो CCD में क्या है ए भक्त, बताओ वो है, बता रहा हूँ है? है? मतलब क्या ए भगवान तूने मुझे क्यों बचाया? दूर दूर तक कोई लॉजिक कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी हड़प, चलो इधर आओ। उसने पे किया है प्रीमियम न्यू इंडिया अश्योरेंस लिमिटेड को फॉर मेडिक्लेम स्कीम, कौन सी स्कीम? यहां पढ़ना है आपको मेडिक्लेम स्कीम है तो कौन सी सीरीज में चले जाएंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ओन हेल्थ के लिए दिया है बताओ। 1000 रुपये, देखो अमाउंट देखो, सब छोटी छोटी सी अमाउंट है। स्पाउस के लिए मेजर सन नॉट डिपेंडेंट, ये बताओ जरा क्या आएगा? नहीं आएगा, कह रहे ना ना भाई डिपेंडेंट होना पड़ेगा। मदर डिपेंडेंट ऑन हिम, मैंने कहा बिल्कुल देंगे भाई। ब्रदर डिपेंडेंट ऑन हिम, मैंने कहा भाई फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता। एक तो ये किसकी वजह से है डिपेंडेंट और ये फैमिली नहीं है, क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अमाउंट मिलेगी मुझे कितनी कितनी बताओ जरा, 1600 और 1200। क्या 1200 की अलग से लिमिट होती है मदर और फादर वाली? आंसर इज यस। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 2800। अच्छा ब्रदर्स टोटली ब्लाइंड है एंड डिपेंडेंट ऑन हिम। टोटली ब्लाइंड का मतलब क्या है? सीवियर डिसेबिलिटी। अगर उसकी एज लेकिन 60 से कम हुई तो क्या होगा? तो क्या होगा, अमाउंट क्या आएगी? एज वाला कुछ नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। लेकिन उसने खर्चा किया है 10,000 का ब्लाइंड ब्रदर के लिए और डिपॉजिट कर दिया 25,000 स्कीम के लिए ताकि उसे मेंटेन कर दे, तो खर्चा तो 35,000 का ही हुआ है। लेकिन मिलेगा कितने का? 1,25,000। 80DD के अंदर अमाउंट मिलेगी मुझे कितने की? 1,25,000 की। और 80D के अंदर जो मुझे अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी कितने की? 2,800 रुपये। क्या मैंने सही बोला? 80C मैंने बता दिया, 80DD मैंने बता दिया और 80D मैंने बताया। मैंने कहा टोटल करो और माइनस कर दो 280 350 में से, क्या मेरी बात समझ में? तो यही बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसी को मुझे प्रेजेंट एक बार करके दिखाना है आपको। अब तुम्हें वो भावुक करने के लिए दिया है उसने कि देखो यार मेडिक्लेम इंश्योरेंस है और ये है और तुम ऐसा कर रहे हो, बताओ हमारा डिपेंडेंट वगैरह है, ब्लाइंड है, ये वो, तो तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। GTI कितने की है? GTI कितने की है? 3,50,000 की। उसमें मैं क्या माइनस कर दूँ बताइए? डिडक्शंस। क्या माइनस कर दूँ? डिडक्शंस। अब मैं जो डिडक्शंस लिखूंगा बताओ आउटर कॉलम में लिखूं या इनर कॉलम में लिखूं? किसी ने आउटर बोला, इनर में लिखेंगे। 80C में कितने की डिडक्शन है? 12,000 की। फिर मैंने कहा 80D में कितने की डिडक्शन है? 2,800 की। 80DD में कितने की डिडक्शन है? 1,25,000। और यहाँ पर लिखूंगा रिस्ट्रिक्टेड अप टू नॉर्मल इनकम। रिस्ट्रिक्टेड अप टू कौन सी इनकम? नॉर्मल इनकम। अब सवाल आया बताओ क्या नॉर्मल इनकम है? क्या तो नॉर्मल इनकम में हम कैसे निकाला? हमने 3,50,000 में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने माइनस कर दिया, कितना बचा? 70,000। और ये जो हमारी टोटल डिडक्शन होंगी वो भी कहाँ तक जाएगी? 70,000 तक जाएगी और टैक्स लाइबिलिटी आगे उसके अकॉर्डिंग निकलेगी। बताओ कितना? आई होप आपको डिडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स को समझ में आ रहा होगा। एक तो इंडिविजुअल जब डिडक्शन पढ़ते हैं तो बात अलग होती है, जब एक क्वेश्चन कंबाइन करके आता है और सिनेरियोज बनते हैं तो फिर दिक्कत आने लगती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है, ठीक। मैंने कहा चलो अब कौन से सेक्शन पे आए? क्वेश्चन नंबर कौन से पे आए? 7 पे। राम जो है ना, राजमोहन की GTI कितनी है बताओ? 6:40 की। उसने फर्निश किया है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, माइक चल रहा है। स्टैम्प ड्यूटी पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 50,000 की है, ऐसा हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? इसी में पढ़ा है। कौन से सेक्शन में? रुक जाओगे, इस चैप्टर में पढ़ा है ना तुमने, तो सेक्शन भी पता होगा फिर तो। कर पढ़ा सपोर्ट कर रहा है बैठ के, अभी रुक जाओ। अब
बताओ, आप बताओ। EEA में क्या पढ़ा था हमने? इंटरेस्ट। वो तो 1.5 लाख वाला था भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? बताओ शिरोमणि लाल, तुम ही कुछ बता दो। मुझे तो लगता है इट इज सी में है ये, पता नहीं क्यों। सोच लो, पढ़ लो जाओ सी जाके। ध्यान से सुनना, क्या उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे ऑन एक्विजिशन नहीं है? 80 सी में जाओ, सारी लाइन पढ़ ली आपने, सोच लो। फिर मैंने कहा 80 ई में क्या था? फिर इंटरेस्ट। ई में क्या था? इंटरेस्ट। मेरी बात समझ में आती है? फिर मुझे बताओ कि 80 ईईए में क्या था? इंटरेस्ट। क्या ये कुछ है? मेरी बात समझ में आती है? तो एक किस हेड में जाएगा? हम तो डिडक्शन पढ़ रहे हैं। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है, बताइए किस में जाएगा? 80 सी में। डोनेशन दी है रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को 25,000 की, जो एलिजिबल है 80 जी में। चैरिटेबल ट्रस्ट को दी है, बताओ। और लिमिट रहेगी क्या? यस, 50% के साथ साथ लिमिट भी रहेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ स्पाउस पे ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं? 10,000। क्या मिल जाएगा? हाँ, कौन से सेक्शन में? 80 ई सेक्शन में। तो इसमें तो लिमिट भी निकालने में दिक्कत नहीं है कि मेरे हिसाब से यहीं पे करा दूं क्या? GTI कितने की बताओ? GTI है 46 की, उसमें से माइनस करेंगे, बताइए क्या? डिडक्शंस। डिडक्शंस में पहली डिडक्शन कौन सी होगी बताओ जरा? 80 कौन सी सी, कितने की अमाउंट है? 20,000 की। उसके बाद चलो 80 ई कितने की अमाउंट है? देखो जरा ध्यान से सुनो, एक बार एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर आपने बताया था कि सारी डिडक्शंस माइनस कर देनी है, तो अगर मान लीजिए जी से, जी के बाद यू आती है, तो यू वाली डिडक्शन भी पहले माइनस कर देंगे जी से पहले? हाँ, क्योंकि अदर देन 80 जी है, अप टू 80 जी नहीं है। मेरी बात समझ में आती है? तो जरा माइनस करो और बताओ जरा। मैंने कहा मत बताओ ना, 80 जी भी तो है अभी। लेकिन अब लिमिट के बारे में चेक करते हैं। मैंने कहा लिमिट माइनस करो जरा, 640 माइनस 20 तो 610 बचा। 610 का 10% करो कितना बचेगा? 61,000। 61,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, 25,000 उसका कितना? 12,500। समझ में आया नहीं आया? बताइए जरा टोटल इनकम कितने आए? टोटल इनकम आई 597,500। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, दोबारा से अलग से करके दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है आपको। इसको समझ में आती है बात? ठीक। फिर आते हैं कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर असेसमेंट ईयर 22, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? मुझे पता है, आगे भी लिखा हुआ है। ऑफ मिस रोमा एज कितनी है उसकी? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है एक क्वेश्चन में TTA का इंटरेस्ट था, हमने दिया नहीं। मारो मैं तुम्हें पकड़ गया अगर तुमने याद नहीं दिलाया होगा तो। हैं? कहाँ दिया है मुन्ना? और माइनस होगा रे, कितना माइनस होगा? 10,000। कौन से सेक्शन में? TTA में। अचानक से याद आया मुझे नालायक को, 2,15,000। वो तो सही है, मैंने इसी क्लास में ठीक कर दिया। मैंने 50 अलग अलग मैसेज आते हैं। क्या है क्वेश्चन पे आ जाओ, तुम्हारे पास GTI कितने की है ये बताओ? 15 लाख की। बस उन्होंने कहा और बता दें, तुम्हें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, पॉलिसी ली थी, बताओ कब? ये बिफोर में आएगा या आफ्टर में आएगा? बिफोर में है। 15 या 10? बहुत बढ़िया। इन्हें कब, इनसे पता है कोई ये भी पूछेगा ना, तुम श्रीलंका से हो या युगांडा से हो, तो एक जवाब दे देगा ये पहले, फिर कहेगा अरे ना 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 इंडिया से। 15 इसमें होता ही नहीं है। हाँ, सारी ज्ञान है लेकिन रहेंगे गधे ही। दो ऑप्शन में से भाई एक सही हो ऐसे जीवन में जरूरी नहीं है।
सम एश्योर्ड कितने का है? इसका 20% करूंगा तो 88,000 आ जाएगा, और पे कितना कर रहा है? 35,000। मैंने कहा इसमें कोई झगड़ा ही नहीं था वैसे तो, 10% भी करते लेकिन लिखना होगा नीचे रेट। समझ में आया तुम्हें? सारा क्वेश्चन तुम्हारा सही होगा और नंबर मिलेंगे तुम्हें नेगेटिव में, कुछ भी लिख रहे होगे वहां पे, और नीचे नोट और डालेगा तुम्हारे लिए वो, दोबारा बिना पढ़े आ मत जाना पेपर देने। पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन ऊपर वाला कौन से सेक्शन में जाएगा? 80C में, और पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन किस में जाएगा? 80C में। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन किस में जाएगा? 80C में। पेमेंट टू एलआईसी पेंशन फंड है, मेडिकल पॉलिसी है, सेल्फ वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, और चेक से पे किए। मैंने कहा तुमसे बढ़िया इंसान कोई है ही नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे बाय चेक फॉर पेरेंट्स और वो सीनियर सिटीजन है, 80D में ही जाएगा, DD मत कर देना इसको। अब मैं बोलूंगा जरा ध्यान से सुनिए, मैंने कहा पहले तो इनको लिमिट मिलाओ, लिमिट का मतलब इनका कितना मिलेगा 1.5 लाख, फिर इसका कितना मिलेगा 1.4 लाख। मैंने कहा दोनों को लिमिट मिलाओ 1.5 लाख मिलेगा, और इसके जो 30,000 है उसका कितना मिलेगा? सिर्फ 25,000, और इसके 50,000। मैंने जो तरीका बताया लिखने का वो समझ में आया आपको? ठीक है, टोटल बताइए। 2,25,000 की अमाउंट बच जाएगी किस में से? ये 2 लाख डिडक्शन की अमाउंट है, सॉरी डिडक्शन की अमाउंट। और GTI कितने की है? वो तो माइनस आप कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत है क्या? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन समझ में आया आपको? पक्की बात है। ठीक, दो क्वेश्चन और रह गए हमारे, ये दोनों MCQs हैं, देखते हैं। बाकी फालतू क्वेश्चन आप नहीं भी ट्राई करोगे, जितनी वैरायटी मुझे कवर करानी थी वो मैं करा चुका हूँ, लेकिन दिख क्यों नहीं रहे, दिख रहा है। ठीक है, आप करना चाहो तो आप इसे कर सकते हो, मेरे से डिस्कस कर लेना कभी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो, लेकिन जहाँ मैं क्वेश्चन खत्म कर दूंगा वहाँ पर मतलब आप इतने क्वेश्चन से इनफ रहेगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अलग से डिडक्शन का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो MCQ में पूछ लेते हैं उनको, और फिर टोटल क्वेश्चन का भी पार्ट बन के आ ही जाता है एक या दो क्वेश्चन में। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन अगर आ गया अलग से तो आपको ध्यान रखना है सारी डिडक्शन आपको आनी चाहिए। May 18 के MCQ प्रैक्टिस वाले हैं, May 18 में कोई MCQ होते नहीं थे, सॉरी MCQ May 18 वाला नीचे जी नहीं, ये भी MCQ नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन हैं। मैंने भी क्लास में बच्चे से बोला था, मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि मेरे दिमाग पे असर पड़ गया हो, गिर के पैर की कोई नस दिमाग तक जाती हो। कह रहा नहीं सर, घुटना। इतने मक्कार बच्चे हो गए आजकल के, क्या कह रहे हो? हाँ, ओहो जागे भाई साहब, पानी। 4 दिन बाद समझ में आई बात, घुटना ठीक है। असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है जरा देखो, 22-23। GTI कितनी है राजा की? रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, कितने की है? 8 लाख की, जिसके अंदर क्या है? दिमाग में क्या रखना पड़ेगा बताओ? माइनस करके 5,50,000 दिमाग में रखना है कि आपको 5,50 तक की ही मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल के नॉर्मल का है, डराने के लिए लिखा हुआ। GTI के अंदर एक इंटरेस्ट की इनकम है 15,000 की सेविंग बैंक से, अब आप भूलोगे नहीं, बताओ क्यों? ATTTA में देनी है डिडक्शन, पेमेंट का इंतजार मत करना, क्योंकि ये कैसी डिडक्शन है? इनकम बेस्ड। कैसी है? इनकम बेस्ड। जो असलियत में इनकम बेस्ड है वही भूल गए नालायक। अच्छा मैंने इतना बता दिया, अच्छा शिद्दत से भी बताते हैं। मिस्टर राजा ने इन्वेस्ट किए PPF में, बताओ 80C कितने का मिल जाएगा? 1,40। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 35,000 का, सेल्फ के लिए कितना मिल जाएगा? 25,000। तो मैंने कहा रुको जरा, तुम्हारी सारी डिडक्शन निकालता हूँ अभी। 1,40,000 80D में कितना मिल जाएगा? 25,000 है, कहाँ लिखा हुआ है? एज कितनी है उसकी? 65 साल। तो इसका मतलब भाई साहब गलती होगी, माफ़ करो, 35। अरे एक टाइम पे एक ही बात बोला करो ना, मैंने कहा एज कितनी है उसे, कह रहे 35,000। TTA में कितना मिलेगा उसे? ए में मिलेगा, बी में मिलेगा, काहे? कितने का अमाउंट है उसका? 5,50 मेरे कितनी अमाउंट होनी चाहिए थी? 5,50। क्या ये 5,50 से आगे जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। बताओ जरा GTI कितनी है उसकी? इस पूरे में से ही माइनस कर देंगे कि हाँ माइनस, और यहां पर लगा देंगे प्लस।
भाई ये मेंटल मैथ का कॉम्पिटिशन नहीं है, सॉल्व कर लो इसे। तुम्हारा गलत आ जाना, अब तुम कैलकुलेटर पे करो, मैं वेट करूंगा तब तक, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके दिखाओ। मेंटल मैथ में से मैथ हट जाएगा। कितना दिखाओ कैलकुलेटर पे। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, हैं? क्या कह रहे हो? तो भाई बताया कि नहीं तुमने? वो तुमने निकाल ली थी क्वालिफाइंग लिमिट। इसमें से माइनस करेंगे 80G। मैंने कहा अब रुको जरा, 8 लाख माइनस 6,10,000 आएंगे, 10% कर दो कितना आ जाएगा, 61,000। पेमेंट कितने की है तुमने? 50,000। क्या कर दूंगा, विच एवर इज लोअर, तो कितना मिल जाएगा? 25,000। अच्छा तुम इसे लिखने का इंतजार कर रहे थे, नालायक को यही बोल देते लिखो मत, क्या कवर किया है तुमने? कितना आ जाएगा? पक्का याद था तुम्हें? पक्का याद था, बहुत बढ़िया, मेरी ही गलती। आ जाते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन। मिस्टर कौन है? एने नहीं, अने बोलते हैं इसको। हाँ मैं बच्चा पढ़ता है कि 11th में, मुझे भी पता चला। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टॉयज एंड फैक्ट्री लोकेटेड कहाँ पर है? नोएडा में। हिज प्रॉफिट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। नोएडा बहुत बुरी जगह है, पता है आपको? नोएडा बहुत घटिया जगह है, नोएडा कल ही पता चला मुझे। बेच दो। कितने का है उसका टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर कितने का है? मैंने कहा पता नहीं टर्नओवर की तरह आई जे ए में, आप बताओ, वरना मार्क कर लेना, अगले वीक में पीटों में पकड़ गया। जी हाँ, 80JJAA उसी बिजनेसमैन को मिलता था जो ऑडिट के लिए एप्लीकेबल होता था 44AB में, और क्योंकि उसका जो टर्नओवर पिछले साल का है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो 44AB में एप्लीकेबल होता होगा, तभी क्वेश्चन को आगे बढ़ूंगा, वरना बोल दूंगा कि नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, जाओ अपने घर। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, अब मैं चला आगे। कह रहे 1/4/2021 को वहां पर 100 एम्प्लॉयज थे जिनकी सगाई हो गई थी फैक्ट्री में ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इस प्रोडक्ट उसने एम्प्लॉय किए 140 एडिशनल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द प्रीवियस 21-22, और खुद ही बता रहे ये एडिशनल, उसका मतलब कोई निकाले नहीं है उसने। yes, इसमें मैक्सिमम लिमिट कितने की है? अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट है 25,000 है एम्प्लॉय की सैलरी की, अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, सही बता रहे थे आप। ठीक, कह रहे 15 कैजुअल एम्प्लॉयज है, कैजुअल का मतलब जो ऐसे ही आ जाते हैं कैजुअली, नो, इसका मतलब वो पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करते होंगे, ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो। कैजुअल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड है, मंथली एमोलमेंट कितनी है उनकी? 22,000 के पर मंथ, और कौन सी तारीख को एम्प्लॉय किया है मैंने? क्या चीज? 15/4/21 से लेके, तो बताओ जरा क्या ये 240 से ज्यादा होगा क्या? हाँ ऐसा होगा, मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन 240। और क्या ये वो अपेरल्स वगैरह बना रहा है जिसके अंदर 150 होता है? नहीं, वो नहीं है, नॉर्मल है। तो इसका मतलब उसकी सैलरी भी कितने से कम है? तो मैं पहले इनका निकाल लेता हूँ, पहले 22,000 इंटू कितने महीने? 10 महीने। मेरा मन कर रहा है, हाँ 8.5 मंथ्स ही होगा, 8.5, मुझे मन कर रहा है 9.5। साढ़े नौ ही होगा ना, तो कितने महीने? 9.5 मंथ्स। और कितने एम्प्लॉयज थे? 15 वर्कर्स थे। क्या इसका कितने परसेंट कर दूं? एक ही बार कर देंगे ना, ऐसे ही किया था ना उन्होंने भी, याद करो इंस्टीट्यूट ने। अच्छा उसने कहा 40 रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, 1/5/2021 को आए थे, मंथली सैलरी एमोलमेंट भाई 22,000 की, मैंने कहा 1/5/2021 को आए थे और कुछ नहीं बोला आगे क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सैलरी रहेगी 22,000, महीने रहेंगे 11, और वर्कर्स कितने रहेंगे? 40, टोटल मिला के कितना आ जाएगा?
96 लाख 80,000, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं? 35 रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, इतने हैं मंथली सैलरी है, मैंने कहा कुछ मत करो, बताओ क्यों? 25,000 से ज़्यादा, 25 रेगुलर एम्प्लॉय हैं, 1-10 को आए थे और 22,000, मैंने कहा 1-10 से एक बार काउंट करते हैं ज़रा, 10, 11, 12, 6 ही महीने होते हैं और 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़्यादा ज़्यादा कितना होगा, 180, 182, 185, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, इसका इसलिए नहीं मिलेंगे। क्या रह गया? 25 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, 2 ईयर्स के एम्प्लॉयमेंट पे हैं, कितने के लिए हैं? अब कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि वो आएंगे और जाएंगे, और कॉन्ट्रेक्चुअल वालों को पीपीएफ वगैरह पे नहीं किया जाता, ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब इसे हम काट देंगे और इसे भी क्रॉस कर देंगे, टोटल बताइए ज़रा कितना हुआ? एक बार आप करना उसमें, क्या नाम है कि इंस्टीट्यूट ने इनके कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह के बारे में कुछ लिखा हुआ, ये होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है? अगर कुछ लिखा होगा तो मुझे बताना, नहीं लिखा होगा तो भी मुझे बताना, आज ही मैसेज करके बताएंगे आप कि सर उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, और किसी और ने मैसेज कर दिया होगा ये सोच के, अगर तुमने मैसेज नहीं किया तो पिटोगे बाप, क्लास नहीं दूंगा आगे से। 1,28,15,000, इसका कितने परसेंट कर दूं, कितना आ जाएगा इनका? जाओ भाई, इतने का कौन से सेक्शन में? 80JJAA, जी हाँ, ये इनकम बेस्ड डिडक्शन की पहली डिडक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आती है? आपको घर जाके कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं क्या मैं एक बार मार्क कर दूं? सही रहेगा थोड़ा सा, तो आप भी प्रैक्टिस करो, आपस में एक बार आंसर मैच कर लेना, जहाँ प्रॉब्लम आया आप उससे पूछ लेना। मेरी साइड से ऑफिशियली चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, किसी ने कुछ बोला? किसने? क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू वगैरह आ जाए वो छोड़ देना। 11, 12, ये नहीं करने, इसलिए मांग कर रहा था। ये मेरी बात समझ में आती है, ठीक है? तो ऊपर वाले सारे क्वेश्चन करना, आपके सारे आंसर, और डिस्कस करके मत सॉल्व करना, पहले आपको जो जो लगता है वो सॉल्व करना प्रॉपर पूरे क्वेश्चन, फिर जब लॉ की क्लास में आओगे आप, उस समय आप 10 मिनट पहले आके मुझसे पूछेंगे इसका क्या होगा, और सभी की कॉपी में होने चाहिए। शाम तक क्या होगा वो मैं बताऊँगा आपको। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकम टैक्स को हम यहाँ पर आकर थोड़े दिन के लिए रोक देंगे, रुक जाओ एक मिनट, क्यों रोक देंगे बताओ? क्योंकि टैक्स लायबिलिटी वगैरह निकालना, जब तक इंस्टीट्यूट आरटीपी नहीं दे देता मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, हालांकि मैं बता दूंगा आपको कि टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली जाती है, लेकिन इनकम टैक्स को हम यहाँ पर रोक देंगे। और इनकम टैक्स को रोकने से पहले हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर कर दिए हैं। जैसे मैं आज बच्चों से पूछा था, मैंने कहा मुझे हेयर कट करानी है, बताओ कौन सी कराऊँ, कह रहे सर रसल जैसी, तो मैंने फिर रसल कुछ लाया इस पर। मुझे एक पॉइंट बनाना था बिजनेस सर्विसेज में, मॉडिफिकेशन वाली इन्वॉल्वमेंट वाला एक पॉइंट था जिसमें कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व रहते। 11th में सिलेबस था बिजनेस स्टडीज़ में, वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ये कह रहे थे कि अगर कस्टमर सर्विस डिलीवरी प्रोसेस में रहता है तो अपने सर्विसेज को मॉडिफाई भी करा सकता है। तो जब मैं रसल जैसी कराऊंगा तो मुझे समझ में आएगा कि ख़राब हो गई, फिर मैं बोलूंगा उसे पूरा साफ़ कर दें। तो ये मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट क्या निकाल रहा था मैं? अच्छा, आपको मैंने इनकम टैक्स के नोट्स अलग से भेजे हुए हैं, ये ग्रुप में से ही निकाले हैं आपने? आज मुझे आप इनकम टैक्स के कोई भी एक बच्चा जो जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं वो मुझे पर्सनली शेयर कर देंगे, ठीक है? मतलब बच्चे कैसे, मतलब टांग खींच दिए, मैंने उससे बोला वेट, कह रहा वेटिंग। क्या हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है? क्या हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया है? 1 कहाँ पढ़ा हमने? क्योंकि अब छुट्टी वाला समय हो रहा है भाई साहब, अगर बोल दो ना बांग्लादेश का इतिहास पढ़ा रखा है क्या, मैंने कहेंगे हाँ।
चैप्टर में आओ, चैप्टर नंबर थर्ड, क्या सैलरी पढ़ लिया है हमने? हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, पीजीपी पूरा, कुछ नहीं छोड़ा, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल गेन, उसके बाद आईओएस क्या पढ़ रखा है? सुन लो पहले एक बार, सुन लो पहले एक बार, मेरे बोलने से यस 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 गधे, ब्रैकेट के बाहर ले लो यस। इनकम फ्रॉम अदर पर्सन ये नहीं पढ़ा लेकिन हमने, बताओ क्यों? कागज से मारूंगा तुम्हें आज तक लगे ना, बताओ क्यों नहीं पढ़ा? बता दिया तुम किसी दिन इसलिए पिटोगे मेरे से क्लास में क्योंकि तुम इस गधे को बता देते हो। क्या कह रहे हैं? हमेशा जब ये पूछता है और ये हमेशा ही पूछता है, मैंने कहा बताना जरा इसमें, इसने हमें क्यों नहीं पढ़ा? कह रहा मुझे क्या पता भाई, पढ़ा रखा है। फिफ्थ चैप्टर क्यों पढ़ा हमने? क्यों पढ़ा है? ये आसान था। सिक्स्थ चैप्टर कब पढ़ा बताओ हमने? अभी जस्ट अभी खत्म किया है। सेवन्थ चैप्टर हमने पढ़ लिया है लेकिन इसमें से एडवांस टैक्स नहीं पढ़ा हमने, टीडीएस और टीसीएस पढ़ लिया है और टीडीएस के कुछ प्रोविजंस हमारे स्टार्टिंग वाले बाकी हैं। टीडीएस के या टीसीएस के? कि टीडीएस के भी कल खत्म ही करा दूं क्या? स्टार्टिंग वाले, टीडीएस के स्टार्टिंग वाले खत्म कर लेंगे। और इसमें एक पॉइंट बच गया था आपका जो आप बता रहे थे मुझे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड 10-10A वाला, इसमें डिडक्शन में लास्ट डिडक्शन है जो कि पहले एक चैप्टर थर्ड नाम से एक सिलेबस हुआ करता था, चैप्टर थर्ड एग्जेम्प्ट इनकम, वो हटा दिया आपके सिलेबस से। तो एक छोटा सा पॉइंट था, तो हम नहीं लॉ पढ़ेंगे, हटा बाद में देखेंगे, टीडीएस बाद में देखेंगे, ठीक है। डिडक्शन हो गया हमारा, रिटर्न पढ़ लिया है हमने, एक ही चैप्टर बचा है हमारा, बताओ कौन सा? चैप्टर नंबर 9। इसी को जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे क्या? एडवांस टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? इनकम टैक्स को थोड़ी देर के लिए कर देते हैं साइड और मिलते हैं आपसे, अगर मिल पाए तो, कल की क्लास में शाम को। क्या मेरी बात समझ में आती है? सिर्फ सर आ रहा हूँ मैं, बस एक मिनट, छुट्टी हो गई है सर, एक मिनट में आया, क्लास ख़त्म हो गई। टाइम से 45 मिनट लेट हो, 54 हो रहे हैं सर, उसे बंद कर देना सर जी, बाय मत कर, बंद करना एक बार, सारी बात सुन लेंगे बच्चे।